नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल एग्जाम गाइड गुरु फ्री पर। दोस्तों आपने लूसेंट पढ़ ली है, स्पीडी पढ़ ली है, सभी साइंस के क्वेश्चन रट मारे, मुझे पता है। एग्जाम सिर पर है, तैयारी आपकी जोरदार चल रही है, तो चलिए टेस्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन है, फटाफट हम करेंगे। आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का वक्त मिलेगा। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने के लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार रेलवे पार और अदर एग्जामों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन लगाइएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ईमानदारी के साथ क्वेश्चन करिएगा, अपने आप से तो झूठ मत बोलिएगा। चलिए ये लीजिए पहला क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा क्या है इनमें से? केवल 5 सेकंड मिलेंगे आपको बताना है। वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा क्या है इनमें से, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है, आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा कहते हैं। कमेंट करके बताइए खाने वाले सोडे का फॉर्मूला क्या है, खाने वाले सोडे का फॉर्मूला क्या है, कमेंट करके जल्दी बताइए तुरंत, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा। निम्न में से किसकी कमी के कारण आपको अरक्तता होती है, एनीमिया? एनीमिया किसी कमी के कारण होता है, जल्दी बताइए। चलिए देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। डी ऑप्शन सही है, आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो, ये रासायनिक रूप से इनमें से क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर है आपका सोडियम थायोसल्फेट होता है। हाइपो, हाइपो जो होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किडनी की समस्या के रोगियों के अपूहन मतलब डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग होता है इनमें से, बताइए। चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, विसरण, अवशोषण, परासरण या इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए बताइए क्या इसमें से उपयोगी होता है, प्रयोग में लाया जाता है। इसका सही आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर है आपका ए। ए मतलब विसरण, विसरण के द्वारा डायलिसिस की प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? कम से कम 500, 600, 700, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, हर एग्जाम में रिपीट होता है। ऐसे क्वेश्चन तो किसी गलत नहीं होना चाहिए, आंख बंद करके सोते समय भी कोई पूछे तो आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? टिन और लेड। क्या निकलना चाहिए? टिन और लेड। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अपरिपक्व फल को कृत्रिम रूप से परिपक्व करने के लिए या इंडायरेक्टली फल को पकाने में इनमें से किस चीज की यूज होता है, क्या चीज यूज होता है? एथिलीन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एसिटिलीन। फल को आप पकाते हैं किस चीज से पकाते हैं? कई लोग कार्बाइड कार्बाइड भी कहते रहते हैं ना, वो क्या होता है? तो कार्बाइड या फिर फल को पकाने के लिए एथिलीन का यूज किया जाता है, एथिलीन का, फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? ताप उत्पन्न होता है, कौन सी ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है? उत्क्रमणीय, ऊष्मा शोषी या ऊष्मा छेपी या फिर तापीय। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चलिए देखते हैं किस किस का सही आता है। सही आंसर है आपका डी, मतलब ऊष्मा छेपी अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें ताप, जिस रासायनिक प्रक्रिया में ताप की उत्पत्ति होती है। दोस्तों ईमानदारी से पूरे क्वेश्चन लगाइए, 50 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में रिपीटेड हो रहे हैं, तो ये फोकट के नंबर हैं आपके, फ्री के नंबर जिसको बोलते हैं हम। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, बताइए। जब पाचन क्रिया होती है तो प्रोटीन किस में बदल जाता है? वसा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या फिर माल्टोज, इनमें से किस चीज में बदल जाता है पाचन क्रिया में आपका जो है प्रोटीन? तो प्रोटीन आपका बदल जाता है अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में बदल जाता है, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 3, 7.5, 12 या फिर 6, जल्दी बताइए। तो मानव रक्त का पीएच मान आपका होता है बी ऑप्शन सही है, मतलब 7.5। चलिए आपको बताना है केले का पीएच मान, देखते हैं किस किस ने लूसेंट और स्पीडी रटी है, नहीं रटी तो ढूंढ के लाइएगा, लेकिन मुझे कमेंट करके तुरंत बताइए केले का पीएच मान कितना होता है, केले का पीएच मान क्या होगा, बताएंगे सभी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ये आंख बंद करके आपको इसका सही आंसर पता होना चाहिए। कौन सा तत्व पूछा है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तत्व जो है वह है कैल्शियम, कैल्शियम जो तत्व है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किसमें है, इनमें से किसमें कार्बन का सबसे कम प्रतिशत है, ये बताना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किस किस को पता है कार्बन का सबसे कम प्रतिशत किसमें है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब पिटवा में, पिटवा लोहा में कार्बन का सबसे कम प्रतिशत होता है पिटवा लोहा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एल्यूजेल गोली, जल्दी बताइए क्या है अम्लता?
मतलब एसिड एसिड एसिडिटी होती है उसको कम करने वाली, अम्लता को कम करने वाली कौन सी गोली है? सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्लता कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं डी ऑप्शन सही है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं अम्लता कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गैस ज्वाला गैस फ्लेम का सर्वाधिक तप्त भाग क्या कहलाता है? कौन सा तप्त भाग है सर्वाधिक गैस फ्लेम का, गैस फ्लेम का? तो दीप्त भाग, अंध भाग, नीला भाग या अदिश भाग, इनमें से सही आंसर क्या होगा देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अलग है और आ चुका है कई बार एग्जाम में। सही आंसर देख लेते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीला भाग जो है गैस फ्लेम का सबसे ज़्यादा गर्म या तप्त भाग होता है। सीसा किसके साथ प्रक्रिया करती है इनमें से? सीसा जो है किसके साथ प्रक्रिया करता है बताइए जल्दी, HF, HCI, HBr, HI, जल्दी बताइए, देखते हैं किस किसको पता है क्वेश्चन का आंसर। तो सीसा जो है आपका ए ऑप्शन सही है, मतलब HF से प्रक्रिया करता है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? मतलब बिल्कुल अनिवार्य है, उसके बिना विनिर्माण नहीं हो सकता। चलिए बताइए, देखते हैं किस किस को इसका आंसर पता है, देख लेते हैं इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जर्कोनियम, जर्कोनियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या है ये बताना है आपको, जो एंजाइम है वह क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या अमीनो अम्ल? तो एंजाइम जो होता है बच्चों वो सी ऑप्शन प्रोटीन है, एंजाइम एक प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्यंकुचित होता है बताइए, चुंबक से व्यंकुचित कौन सा होता है? रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, बीटा तरंगे या यूवी किरणें? तो इसका सही आंसर है रेडियो तरंगे होती है, रेडियो तरंगे। आप उसके पास मैग्नेट ले जाओगे तो वो सही से वर्क नहीं करेंगी, देखा होगा आपने कभी भी रेडियो वगैरह होता है ना, रेडियो जो चलता है घर में या कोई फ्रिक्वेंसी, आप उसके पास मैग्नेट ले जाना, देखना क्या है कैसे करेगा वो, ऐसा लगेगा जैसे कैसेट फंस गई हो। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, या किस वैज्ञानिक की कृति में मनाया जाता है? तो सभी को पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन के कृति में जो है मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? वैज्ञानिक दिवस। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। केवल आपके 50 क्वेश्चन है, पूरे लगाइएगा ईमानदारी से। किसी तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है? परमाणु भार किस पर निर्भर करता है, इनडायरेक्टली ये पूछा है, देखते हैं किस किस को पता है। चार ऑप्शन ये रहे, चलिए बताइए क्या इसका सही आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से, अपना दिमाग लगाइए। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन? सही आंसर सभी को पता है, बी ऑप्शन सही है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं, कक्षा के बाहर होते हैं, कक्ष के बाहर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है? प्राकृतिक पॉलीमर का क्या उदाहरण है में से? ये चार ऑप्शन दिए, देखते हैं किस किस को बनता है। प्राकृतिक पॉलीमर का जो उदाहरण है डी ऑप्शन सही है, नाइलॉन जो है प्राकृतिक पॉलीमर है, याद रखिएगा नाइलॉन एक प्राकृतिक पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, यह रहा, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया गैस नहीं है? तो गैस कौन सी नहीं है बताइए, कौन सी प्रक्रिया? ब्रोमीन, नियॉन, ऑर्गन या क्रिप्टॉन? तो सही आंसर है ए, ब्रोमीन जो है गैस नहीं है। बहुत बढ़िया, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं दूंगा। सही आंसर आपका क्या? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है बताइए, हृदय, आंत, स्प्लीन या यकृत? मलेरिया से इनमें से क्या प्रभावित होता है, हृदय, आंत, स्प्लीन या यकृत? सही आंसर है स्प्लीन। बहुत बढ़िया, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, ए, बी, सी, डी, के बताइए इनमें से? तो सही आंसर है के, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अच्छा, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग बताएं, विटामिन के की, चलिए आप विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बताइए, बी की कमी से होने वाला रोग बताइए कमेंट बॉक्स में तुरंत। व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण आपका किससे किया जाता है इनमें से? पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम जेली भी आती होगी आपने देखा होगा लगाने के लिए वैसलीन की। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है इनमें से जल्दी बताइए, जो ऑप्शन दिए इनमें से ही बताना है आपको, विटामिन में वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है जो ऑप्शन दिए? तो उसका सही आंसर आपका क्या होगा, विटामिन के, विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है, पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, देखते हैं किस किस को पता है। तो जो पीतल होता है वो आपका बना होता है किससे जल्दी, ए ऑप्शन सही है तांबा और जिंक, बोलते पिताजी, इसका शॉर्टकट है पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक, पिताजी, पीतल, तांबा, जिंक। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग किन तत्वों की कमी के कारण होता है? सही आंसर है आपकी आयोडीन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है,
आयोडीन कमी कारण घेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह रहा आपकी स्क्रीन पर। यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? किस प्रकार का फर्टिलाइजर है यूरिया? सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा यूरिया में पाया जाता है। नाइट्रोजन प्रकृति में भी हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन कौन सी गैस पाई जाती है कमेंट करके बताइए। सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है कमेंट करके बताएं। पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? तो पारा इनमें से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? इसका ऑप्शन बी सही है, सिनेबार से आप पारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, अयस्क है। अगला क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी इनमें से किसकी इकाई है ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्यूरी आपकी जो इकाई है दोस्तों, देख लेते हैं आंसर। इसका ए ऑप्शन सही है, मतलब रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा, निम्न में से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? तो सी इस्पात में, मतलब जितना ठोस होगा ध्वनि उतने अच्छे से गति करेगी, ये सभी को पता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? चलिए तो ए ऑप्शन सही है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कमेंट करके तुरंत बताइए गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा जो है दर्पण होता है, गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, जल्दी बताइए तुरंत कमेंट करके। परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर है आपका आग। आग आवश्यक नहीं है, बाकी हवा, पानी और कीट, ये तीनों चाहिए परागण के लिए। अगला क्वेश्चन, मैक संख्या निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए मैक संख्या किससे संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, देखते हैं किस किस को पता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मैक संख्या डी ऑप्शन, हवाई जहाज से संबंधित है मैक संख्या। अगला क्वेश्चन ये रहा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो मानव शरीर में आपकी टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, सभी को पता है 206, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इनमें से कौन ठोस नहीं है, इनमें से कौन सा ठोस नहीं है ये बताना है आपको। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आपका डी ऑप्शन पारा जो है धातु होते हुए भी ठोस नहीं है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बच्चों वाला क्वेश्चन है 7। ये क्वेश्चंस आपके रेलवे में आए इसलिए मैं लेके आया हूं। निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है, ये क्वेश्चन अच्छा है, चलिए बताइए कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? तो पित्तरस जो है भोजन का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। ये रहा 40वां क्वेश्चन, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? तो सभी को पता है कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए ईंधन में से किस में सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है? ऊष्मीय मान पूछा है, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं, तो ट्रिकी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इजी तो सबसे सही हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर ए ऑप्शन सही है, कोक पर जो है ईंधन में सबसे अधिक ऊष्मीय मान कोक का है, कोक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो सभी को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिर्फ 7 क्वेश्चन बचे हैं, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो इनमें से किसमें होता है, डी ऑप्शन सही है, पेड़ों की पत्तियों किससे होता है प्रकाश संश्लेषण, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से सभी को पता है रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो फास्फोरस किसमें पाया जाता है, प्रोटीन में फास्फोरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन के लेवल इतने इजी है ना कि आपके यदि 45 से कम आ जाएं तो समझ लीजिएगा कि आप मिस्टेक करते हैं, बनते हुए क्वेश्चन गलत करते हैं। अगली बार मैं और टफ क्वेश्चन लाऊंगा, अभी जो इजी क्वेश्चन है इसमें कम से कम तो 45 क्वेश्चन सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। समुद्र जल में क्या पाया जाता है, डी ऑप्शन सही, आयोडीन, कम से कम 45 सही होना चाहिए, यदि 45 से कम हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि इजी क्वेश्चन भी गलत कराते हैं आप। हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, बताइए। हरे मेढक की पीठ पर काली धारी बने रहते हैं, तो उसमें सी ऑप्शन राना टिग्रीना है सही है, वैज्ञानिक नाम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में लाया जाता है इनमें से? तो कौन सा प्रोटीन उपयोग में लाया जाता है, इसका आंसर ए सही है, फाइब्रिनोजेन जो है रक्त को जमाने में प्रोटीन उपयोग में लाया जाता है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सूर्य में किस गैस की अधिकता होती है? तो बच्चे को पता है सूर्य में आपकी हाइड्रोजन की अधिकता होती है। आज का अंतिम क्वेश्चन, और बताइएगा जरूर कमेंट करके कितने क्वेश्चन आपके सही गए। लास्ट क्वेश्चन ये रहा,
लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है ये बताइए। और क्या आपको साइंस के और वीडियो चाहिए और क्वेश्चन चाहिए? मेरा टारगेट है मैं आपको 5000 साइंस के क्वेश्चन करवाऊं, वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव जो भी मिले, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आपको साइंस के 5000 क्वेश्चन चाहिए होंगे। और शेयर जरूर करिएगा क्योंकि इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो और क्वेश्चन मैं लाते रहूँगा। तो लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है। यदि आपको और क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ शेयर करिए, रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आगे लाते रहूँगा। अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, प्लीज़ शेयर द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।